find out everything. Makes me wanna leave this place and roam. Don't you think we're done? व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टुडे आई विल शो यू इन दिस वीडियोस। एक्चुअली मैं हूँ काठमांडू में अभी। आज है मेरा सेकेंड लास्ट डे जाने का। 10 दिन हो चुका है यहाँ पे आए हुए। तो आज हम आए थे रमित भाई को रिकमेंड करके यहाँ पे कीर्तिपुर। एक हैंगिंग ब्रिज है काठमांडू की साइड एरिया पड़ते हैं और बहुत ही अच्छा माउंटेन का व्यू है, तो वहाँ जा रहे हैं। ये हमारा स्कूटी और भाई जी आ रहे हैं अभी, तो भाई जी के साथ चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। बहुत ही अच्छा व्यूज़ है वहाँ का। हैंगिंग ब्रिज होगा, नीचे नदियाँ होगी, पानी बहेंगे और पूरा पहाड़ माउंटेन्स एरिया है, तो बहुत ही अच्छा व्यूज़ हो और बहुत ही अच्छा नज़ारे होंगे उसमें। तो वीडियो में बने रहिए पूरे अंत तक। Don't you think we're done? Knew that it was true from the way you looked at me. At me. So I finally आ गए और ये रहा ब्रिज। बहुत ही मजा आ रहा है एकदम। तो ये हिल रहा है और नीचे पानी का साउंड भाई साहब क्या सर। लुक द व्यूज, ओह माय गॉड, एंड देयर इज द माउंटेन एंड द बादल बहुत सारे, और ये नीचे वाटरफॉल, नदियाँ बह रही हैं। इधर का पूरा काठमांडू रियली दिख रहा है। वहाँ पे हेली पॉइंट, तो आप भी आ सकते हो। बहुत ही अच्छा पॉइंट है यार, बहुत ही मस्त। नेचर ब्यूटी मुझे हमेशा पसंद होती है और मैं कल नहीं परसों जाने वाला हूँ, इंडिया जाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा यार भाई किसी ऐसे प्लेस पे चले जो नेचर ब्यूटी हो। हमें हिस्टोरिकल प्लेस नहीं जाना है काठमांडू में, मैंने हिस्टोरिकल प्लेस बहुत सारा घूम चुका हूँ, तो इसलिए मैंने भाई से रिक्वेस्ट किया और भाई बोले ठीक है आप नेट पर सर्च मारो। मैंने इसके बाद नेट पर सर्च मारा एंड देन ये प्लेस मुझे दिखा था नेट पर, कीर्ति नगर हैंगिंग ब्रिज। तो फिर मैंने भाई को रिकमेंड किया और फिर भाई ने बोला हाँ चलो चलते हैं, और लोकेशन के थ्रू मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और बहुत ही मस्त व्यू है, व्हाट अ लोकेशन। पूरा बादलों में लगा हुआ है कि माउंटेन सटी हुई है पूरा, ये माउंटेन इधर घर, कितना मस्त लग रहा है। और ये नदियाँ बह रही हैं और अपने भाई जी वो रहे हैं। वैसे भी अभी कोरोना के लेके टूरिस्ट का वो बंद है फिलहाल, अब धीरे धीरे ओपन हो रहा है। जैसे जैसे फॉरेनर्स आएंगे तो भीड़ भरेंगे हर जगह। तो देखो हर जगह सेल्फी और फोटोज़ पॉइंट है, समय जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे। पूरा हम लोग तैयारी के साथ में आए हैं और सारा कुछ लेके आए अपना व्यवस्था करके, और रेनिंग कोट भी ले लिया हूँ ताकि बारिश भी होएगी तो भाई थोड़ा सा केयर हो जाएगा बॉडी का। और हल्का हल्का बारिश हो रही है, एक दो बूंद हो रही है, तो क्योंकि बादल इधर लग गए हैं, देख सकते हो आप बादल लगी है। और अभी नेपाल में जब से आया हूँ ना यार, हर रोज़ बारिश होता है, कभी ना कभी किसी न किसी टाइम में हो ही जाता है एक बार। और ये हमारे भाई जी ब्लॉगिंग कर रहे हैं अलग से, तो चलो भाई जी से अभी मिलाता हूँ। ये ब्रो रमित ब्लॉग, भाई का भी चैनल है, सब्सक्राइब करो आप लोग। रमित ब्लॉग है ब्रो, आपका चैनल का नाम रमित ब्लॉग, रमित ब्लॉग्स। भाई जी अभी यूएई, हाँ यूएई रहते हैं
तो भाई का चैनल पे यूएई का वीडियोस भी आने वाला है बहुत सारा, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग और बस देखिए व्यूज़, मज़ा लीजिए, इन्जॉय करिए इसको। सारे जगह जाएंगे हम लोग भी, अभी भी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लेंगे, बहुत ही अच्छा सा फोटो पॉइंट दिए हुए, जैसे वहाँ पे है, उस साइड भी है। तो अभी जा रहे नीचे वाला पॉइंट का व्यूज़ देखने के लिए, और जहाँ से रिवर का पॉइंट जो है अपने को बहुत नज़दीक से देखने को मिलेगा वाटरफॉल वगैरह भी। कैसा लग रहा भैया? मस्त 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 जगह है, बहुत अच्छी जगह है। नेचर ब्यूटी हमेशा भाई पसंद होता है हर किसी को भी, काठमांडू आओ तो ट्राई कर सकते हो यहाँ पर कीर्तिपुर, कीर्तिपुर ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज। आप लोकेशन में डालोगे, मैप डाल लेना, देन मैप के थ्रू आप आ जाना। यहाँ से वो भी दिख रहा है ना, वो टावर क्या था, वो टावर बड़ा वाला जो है काठमांडू का सबसे बड़ा टावर, टॉप धारा धा, वो रहा बड़ा वाला। उधर से हम लोग आए घूमते घूमते घूमते, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब लोकेशन देखो, अच्छे अच्छे लोकेशन दिया गया है जहाँ से आप फोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। ये पूरा माउंटेन्स है, और इधर वाटरफॉल। भाई जी को मैं बोलता हूँ नीचे चलता हूँ। भाई जी हमारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं मोबाइल से रमित ब्लॉग के लिए, और मैं शूट कर रहा हूँ अपने गोप्रो से एसकेएम बैकपैकर्स के लिए। तो गाइस अब देखो, बागमती रिवर इसका नाम है, ये नदियाँ जो बह रही है इसको नाम है बागमती रिवर, जो पूरा काठमांडू शहर में बहता है, ये पूरा पहाड़ को चीरते हुए, मतलब पहाड़ की साइड से होते हुए पूरा काठमांडू शहर में यही नदियाँ जो है, एक बागमती नदी जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वहाँ भी उससे होके भी गुजरती है, और बहुत ही अच्छा व्यूज़, नेचर ब्यूटी। I think it all came back when I was looking back at you. Oh, how I've missed those signs. You must have missed mine too. Did you breathe me in? If you would only know that you're in my air. अभी कोविड को लेके टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट का अभी शायद नेपाल में भी बंदी है, तो मैं उससे पहले भी आ चुका था, तो यहाँ पे हूँ फिलहाल, तो घूमने आ गया हूँ क्योंकि अभी खुला है, रिसेंटली खुला है। आप नेपाल, अगर इंडिया से नेपाल आना चाहते हो तो आ सकते हो अब, है ना, सब चीज़ ओपन हो चुका है फिलहाल, बाय लैंड आ ही सकते हो आप। बाय लैंड ही मैं आया था 10 दिन, आज से 15 दिन पहले, ठीक है, तो ईजिली आ गया था मैं। और ये देख सकते हो ऊपर मस्ती करते हुए पुले पे लोग दौड़ रहे हैं, हैंगिंग ब्रिज। इस तरह के ब्रिज नेपाल में आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, एक नेपाल में मतलब शायद सबसे दुनिया का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज लाइक ऐसा कुछ है, तो वो भी प्लेस है। मैं सोचता था कि जाऊंगा, बट मेरा कॉलेज का इंटर्नशिप जो है, हमारा फिजियोथेरेपी भी कंप्लीट किया हूँ, तो वो चालू हो चुका है, तो मुझे परसों जाना पड़ रहा है, तो कोई नहीं फिर आएंगे, अगर एक ही बार घूम लेंगे सारा तो फिर दोबारा कब आएंगे कि नहीं, क्योंकि नेपाल वैसे भी मेरा सेकेंड दूसरा घर है, और यहाँ पर हमारा हर चीज़ है, घर बार, मम्मी पापा, भाई बहन सब है, एवरी वन, तो हमेशा आते रहेंगे यहाँ। और आप लोगों को नेचर ब्यूटी जो है पूरा नेपाली नेचर ब्यूटी में बसा हुआ है, तो वो सारा व्यूज़ आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियोज़ में और आगे आने वाले वीडियोज़ में भी। For every second, everywhere I go. So why are we hiding in these crowded places? 'Cause when our eyes meet, we drop our poker face. तो इधर का पॉइंट का हो गया है, और दूसरे छोर पे चलते हैं, फिर वहाँ का वीडियोस लेते हैं। Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker face.
तो भाई यहाँ से हैंगिंग ब्रिज पास दिख रहा, और यहाँ से नदिया का व्यूज भी अच्छा दिख रहा है। ये सारा सेल्फीज और फोटोज़ पॉइंट दिए हुए, अभी इधर बना नहीं है, इधर बनने वाला है। आई थिंक यही होगा, इधर बनने वाला है। अभी जब बन जाएंगे तो फिर आगे से भी फ़ोटोज़ लिया जाएगा, सामने का व्यूज़ जो है उसे वहाँ पे। इधर का माउंटेन का व्यूज़ बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है बादले और माउंटेन टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ से लगता है कि दुनिया ख़त्म है, यहीं तक एंड है। मुझे लग रहा पूरा टच है एक दूसरे से। सो गाइस, बहुत सारा एंजॉय हो रही है, और देखता हूँ और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा हो तो दिखाता हूँ लोगों को। सो गाइस, ये जगह बहुत ही पीसफुल जगह है, जहाँ पे आपको माइंड रिलैक्स मिलेगी। ये माउंटेन का व्यूज और साथ में वहाँ पे बस्ती है बहुत ही अच्छा, जहाँ पे आप जाके भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ फिलहाल नहीं जा रहा हूँ आज। और इस साइड जो है जस्ट अपोजिट में इसके पूरे काठमांडू का व्यूज देख सकते हो, पूरा काठमांडू सिटी आपको दिखेगा, और साथ में इतना ब्यूटीफुल नज़ारा, आप इसको इंजॉय कर सकते हो। जब भी काठमांडू आए मिस इसको मत करिएगा। तो गाइस, बहुत सारा फोटो सेशन हो रही है, और पुल के बीच में वो हिल रहा है, डर भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पुलिया हिल रही है। और भाई जी अभी तैयार है हमारे फोटोज के लिए। डर लग रहा है भाई जी? खुद हिल रहा हूँ मैं। मज़ा आना, बहुत बहुत दिल बाद आया यार। 10 दिन हुए, किसी भी अच्छे प्लेस में नहीं गया था, जाता था हिस्टोरिकल प्लेस, क्या देखूँगा, लोग होते हैं और बस नॉर्मल, वही दुकानें, वही घर, वही। तो मुझे नेचर ब्यूटी हमेशा पसंद रहता है यार, नेचर ब्यूटी। और ये रहा नेचर ब्यूटी, अपना फ्लैग लाया था आज, मेरा ड्रीम पूरा हुआ। 3 बार आया था, 3 बार से सोचते थे, आज पहली बार मेरे को ना अपने फ्लैग के साथ फोटोज क्लिक करने को मिला है। वजह भाई जान। तो भाई बहुत सारा चढ़ना पड़ता है सीढ़ियाँ पे, बहुत नीचे नीचे सीढ़ियाँ ऊपर है। और देख लो, मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट दिखा है ना, व्यू पॉइंट, मैं इसलिए जा रहा हूँ। भाई जी को बोला, भाई जी बोला मेरे से बचती नहीं है, आप जाइए। तो भाई कोई नहीं, अकेला जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक्साइटमेंट लेवल भाई साहब गजब, नेचर ब्यूटी मेरे पास आता है ना, नो डाउट मेरी एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाती है, 100 से 200+ हो जाती है वो। और ये रहा, मैं इस बड़े से स्टोन की वजह से, पत्थर की वजह से, क्योंकि मेरे हनुमान श्री राम प्रभु और ये हमारे गणपति जी के, देखे कितना मस्त इन्होंने कारीगरी करके इस पर नींव उखेरा गया। प्रणाम गणपति पप्पा। और ये शुभ मंगल, वाह, इन्होंने जो भी किए हैं उनको बहुत दिल से बहुत बहुत तारीफ और शुक्रिया कि भाई ने इतना अच्छा कारीगरी करा है, अपने पत्थरों पे इन्होंने बनाया है काटवार के। और ये भाई साहब बड़े से पत्थर है, इस पर भी कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक नेपाली में लिखा हुआ है जो मैं नहीं जानता। और ये ब्रिज, और इधर भी थोड़ी सी कुछ बची है, तो देखता हूँ क्या है। तो इधर पेंट करा गया है, और ये लिखा गया है क्या मुझे नहीं पता, नेपाली में। हो वेदर देखो भाई साहब, क्या मस्त, शानदार, झक्कास, जबरदस्त, जिंदाबाद। यार वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त यार के साथ शेयर करिए वीडियोस को। और नेपाल आते हो तो बहुत सारा नेचर ब्यूटी है, पूरा नेपाल में यही है कि नेचर ब्यूटी मिलेगा आपको, पूरा माउंटेन्स में बसे हुए पूरा नेपाल शहर, काठमांडू तो खास करके, और पोखरा वगैरह जाओ, बहुत ही अच्छा अच्छा जगह, हिलेशी है, बहुत अच्छा घूमने वाला जगह। मनांग मस्तांग, जहाँ पे ग्लेशियर वगैरह देखोगे आप, अन्नपूर्णा एवरेस्ट, जहाँ पे ट्रैकिंग करके आप अन्नपूर्णा एवरेस्ट को ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारा पॉइंट सब आपको बहुत अच्छे अच्छे जगह है जहाँ पे घूमने जा सकते हो नेपाल में। तो बस यही था, अब चलता हूँ मैं ऊपर, यहाँ पे ले लेता हूँ पहले एक सेल्फी भाई यहाँ से। व्यू
मतलब पूरा शांत इलाका है, पूरा जंगल है। मैं इसमें आ चुका हूँ और ये वाला एरिया देखो कपल्स के लिए होते हैं मोस्टली, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वगैरह आते हैं उनको मज़े जाके ले सकते हो इस कोने में। ठीक है ऐसा कम चलते ऊपर। हेलो भाई साहब हालत खराब। मजा आया बहुत ज़्यादा। अरे हमारे भाई साहब की हालत खराब, पहले ही आके स्कूटी पे बैठ चुके, तैयार है। सुन ब्रो लेट्स कम ऑन। अरे जान निकल गया, बहुत नीचे गया था मैं। तैयार हैं जाने के लिए? तो वीडियो को एंड करो और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। भाई का भी चैनल है रमित ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए चैनल पे सपोर्ट करिए वहाँ भी यहाँ भी और मज़े लीजिए ऐसे नेचर का। सो बाय बाय, टेक केयर, वी विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। जंगल से पहाड़ एवरेस्ट पे तो बहुत सारे लोग इधर भी कपल्स वगैरह फोटोज खिंचवा रहे हैं, बैठे हुए मजे ले रहे हैं अपनी जिंदगी का। आप भी आते हो अपने बुआ के साथ।